अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उस्मान नियाज़ी और आप देख रहे हैं टॉक पाक यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं सुजुकी के आउटलेट के ऊपर, क्योंकि सुजुकी ने एक न्यू बाइक लॉन्च किया है जो कि है GSX 125 सीसी कैटेगरी का एक बहुत अच्छा बाइक जिसकी लुक्स बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। आज हम इस बाइक का रिव्यू करेंगे और देखते हैं इस बाइक के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये पाकिस्तान के काफ़ी डिफरेंट बाइक है, इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस टाइम सुजुकी की बाइक मेरे साथ मौजूद है, चलते हैं बाइक की तरफ और इसका एक डिटेल सा रिव्यू बनाते हैं। तो गाइज़, ये है सुजुकी की GSX 125। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इसका एक ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ कि ये बाइक दिखने में किस तरह की है, फिर इसकी हम स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। आपने अभी सिनेमैटिक्स भी देखी होंगी इस बाइक की, उसके अलावा भी मैं आपको एक कंप्लीट एक दफ़ा एक लुक दिखा देता हूँ कि ये बाइक दिखने में किस तरह की है, क्योंकि जब मैंने वीडियो और पिक्चर्स में ये बाइक देखी थी तो थोड़ी सी डिफरेंट है। जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे सामने ठहर कर तो थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखती है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बाइक है। अच्छा, साथ साथ हम इसकी बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक की जो प्राइस है वो 360,000 है, 360,000 की आपको ये मिलेगी। और ऑन रोड इस टाइम मैंने इनसे पूछा तो 40,000 ऑन चल रहा है इसके ऊपर, तो 400,000 की जो है ना अभी आपको ये बाइक मिलेगी। सबसे पहले हम इस बाइक की बात कर लेते हैं मीटर की। तो गाइस, मीटर में आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर आरपीएम मीटर भी मिल जाएगा और स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे फ्यूल गेज भी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें गियर शिफ्ट नज़र आता है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसको यूनिक बनाता है और फ्रंट पर आता है, सामने आपको नज़र आता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका गियर शिफ्ट, ये इंडिकेटर्स आ गए यहाँ पर। मुझे ये जो ओवरऑल इसका जो मीटर है थोड़ा सा GR 150 जो सुजुकी की बाइक है उससे इंस्पायर होके लग रहा है, उस जैसा ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा स्पोर्टी ज़्यादा है। साइड पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो आप किलोमीटर्स वगैरह आप अपने सेट कर सकते हैं, अगर आप किसी टूर पर जा रहे हैं कि कितने किलोमीटर्स आपने बाइक यूज़ की है, ये मिल जाएगा आपको। इसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं राइड असम्बली की। राइड असेंबली पे जो आपको सबसे पहले चीज़ नज़र आएगी कि इस बाइक पे डिस्क ब्रेक है, वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ मिल जाएगा, सेल्फ के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर आपको लाइट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। और उसके अलावा इसकी असेंबलीज की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की असेंबलीज हैं, सुजुकी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पर हैंडल बार्स भी मिल जाएंगे, कुछ दोस्त कहते हैं ये उसली होते हैं या घिरने से बचाते हैं, जी मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं उसके लिए भी है, मगर साथ साथ जो है ये बेसिकली यूज़ होते हैं, ये आपका जो वाइब्रेशन है हैंडल की उसको बैलेंस करते हैं। वाइब्रेशन से याद है, वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि इस बाइक की वाइब्रेशन हैं या इसमें नहीं है। आप हैंडल देख सकते हैं इस बाइक का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जो इसको यूनिक बनाता है। अभी तक पाकिस्तान के अंदर आपको ये हैंडल पहली दफ़ा एक बाइक में नज़र आ रहा होगा, ना होंडा ने दिया, ना यामा ने, सुजुकी ने इसको 125 के अंदर लॉन्च किया। लेफ्ट असेंबली की बात करेंगे तो यहाँ पे हॉर्न मिल जाएगा, इंडिकेटर्स राइट लेफ्ट मिल जाएगा और लाइट हाई लो मिल जाएगी, और यहाँ पे हमें चौक मिल जाती है, ये देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट GT 110 की तरह। और डिपर भी इस बाइक में मौजूद है, हमें डिपर भी मिल जाएगा। असेंबलीज की यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये जो इसके ग्रिप्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्ट से हैं, हार्ड नहीं है, क्लच भी काफ़ी अच्छा है, तो क्वालिटी ओवरऑल इसकी बहुत अच्छी है। कुछ दोस्तों का सवाल होगा कि इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी, तो आपको सुजुकी के आउटलेट से मिल जाएंगे, मगर ज़रा कॉस्टली हैं और बाइक अभी न्यू है तो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। ये आप हैंडल बार्स को देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस बाइक की फ्रंट की बारे में। फ्रंट से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको एक ये प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक में ऑलमोस्ट सेम GD 110 की तरह ही इसको एक लुक दी हुई है फ्रंट से। ये आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट की जो लुक है वो इसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाती है। अच्छा, कुछ दोस्त जो है वो पूछ रहे थे कि यार उस्मान भाई ये प्लास्टिक में है और ये चीज़ किस चीज़ में है, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त समझ रहे थे ये प्लास्टिक है, नहीं ये एल्यूमिनियम फ्रेम यहाँ पे यूज़ हुआ है,
ये एल्यूमिनियम है, ये आपको प्लास्टिक मिलेगा, मीटर भी प्लास्टिक में, खूबसूरत सी इसकी हेडलाइट हमें मिल जाएगी। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी, तो पाकिस्तान में जो बाइक्स भी आते हैं उनके इंडिकेटर्स होते हैं, मगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और ओवरऑल जो है मैं जो इसकी इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे हैं मुझे। मैं ज़रा शॉपर उतार के आपको दिखा देता हूँ, क्लियर व्यू इनका आ जाएगा, ये देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट के बारे में, इसके मड गार्ड के बारे में। प्लास्टिक में मड गार्ड है जिसकी ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी बुरी नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, और ओवरऑल एक ही प्लास्टिक में मड गार्ड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके अलॉयज जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, 17 इंचेस के आपको इसमें अलॉयज मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं 17 इंचेस के अलॉयज हैं और काफ़ी खूबसूरत है, मतलब कि GR 150 से भी डिफरेंट है, और उसके बाद आपके ये जो है GS से भी डिफरेंट है। ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को ऑड भी लगी, मगर मुझे जो है ओवरऑल बहुत पसंद आई कि इन्होंने यहाँ पर जितने भी बाइक्स आती हैं डिस्क वाली उनमें या तो ब्लैक कलर की होती हैं या रेड कलर की होती हैं, तो इसको ज़रा यूनिक सा कलर दिया हुआ जो कि गोल्डन है, तो काफ़ी अच्छी इसकी डिस्क ब्रेक है, डुअल कैलिबर की आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी इस बाइक के अंदर, और काफ़ी अच्छी डिस्क ब्रेक है इसकी। अलॉयज़ आप एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं, ये अच्छा ये कलर जो है ना अलॉयज़ का, एक होता है ब्लैक, तो ये ब्लैक नहीं है, ये मैट में ना ग्रेइश लुक दे रहा है, ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक नहीं दे रहा, ये ग्रेइश लुक दे रहा है, ग्रेइश कलर में जो है हमें इसके अलॉयज मिल जाते हैं। 17 इंचेस की है, 18 इंचेस की नहीं है, ये चीज़ ज़रा सुजुकी को देखनी चाहिए थी कि 125 में, क्योंकि 17 इंचेस जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही इन्होंने क्यों दिया, मगर एटलीस्ट इनको 18 इंचेस के यहाँ पे अलॉयज देने चाहिए थे, ये इसका एक कौन हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत सा। उसके बाद हम टैंक की बात कर लेते हैं। टैंक में नो डाउट YBR को देख लें आप, CB को देख लें, जिस बाइक को देख लें, मुझे पर्सनली इस बाइक का टैंक बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत सा टैंक है ये। मैं आपको यहाँ से इसकी एक फ्रंट लुक दिखाता हूँ पूरी, ये देखिए ये बल्कि सा टैंक है, जो ये चीज़ है ये इसको बहुत अच्छा बनाती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक कर्व जा रहा है, उसके बाद टैंक का कर्व इधर से भी आ रहा है, यह ये भी कर्व आ रहा है एक, फिर यूँ सीधी जाती है, और यहाँ पर ये हमें प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, और ये वाला प्लास्टिक की क्वालिटी फिर भी अच्छी लग रही है, ये इस प्लास्टिक की क्वालिटी के ऊपर एक और इन्होंने प्लास्टिक लगाया हुआ है, इसमें थोड़ी सी साउंड ज़्यादा आ रहा है, मगर ये भी एक स्पोर्टी लुक इसको बना रहा है। अगर हम इसके टैंक की बात करें तो ये चीज़ जो है ना अभी तक किसी बाइक में नहीं आई, रावी प्याजियो में ये चीज़ आई थी जो कि एक इटालियन बाइक थी, उसके बाद अब इन्होंने कंटिन्यू किया, तो ये बहुत अच्छी है, मतलब ओवरऑल इसका काम क्या है, पानी वगैरह जब सर्विस करवाते हैं तो उसमें पानी वगैरह नहीं जाता, और वैसे भी आप देखें एक स्पोर्टी लुक है इसका, जो हैंडल है वो भी हैवी बाइक्स की तरह लगता है, साथ में टैंक भी, और ये चीज़ सुजुकी ने यार कमाल कर दिया है, ये चीज़ बहुत अच्छी है इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं इस साइड करके, इसके अंदर ये प्लास्टिक है या एल्यूमिनियम है, तो फोटोज़ में देखने में आपको लग रहा था कि ये एल्यूमिनियम है, तो गाइज ये प्लास्टिक है, ये आप सुन सकते हैं इसका साउंड, ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, और ये भी प्लास्टिक है, तो मतलब टापा जो है इसका ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का ही बना हुआ है, इन्होंने कलर ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे इसके फ्रेम के साथ मिल रहा है, ये आपको एल्यूमिनियम में मिलेगा, ये प्लास्टिक होगा, ये भी प्लास्टिक होगा, और ये भी प्लास्टिक होगा। इंजन की बात हम बाद आखिर में करेंगे, इस बाइक का इंजन किस तरह है, क्योंकि ज़रा सी उसमें डिटेल्स वगैरह में हमने जाने, और उसके बाद इसकी वाइब्रेशन की बात करनी है हम। इसके बाद बात सीट की, सीट की जो कुशनिंग है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा दोस्त इसकी तारीफ़ कर रहे थे, और वाकई इसकी जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है, आप इसके एक लुक देखें कि इस पर किस तरह टेल थोड़ी सी ऊपर है, जिस तरह की अब आप YBR को देखें उसकी टेल काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, तो टेल नॉर्मल है, तो काफ़ी खूबसूरत सी इसकी लुक आएगी, और सीट इसकी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। उसके बाद बात करें हम, तो ये आपको एल्यूमिनियम में मिल जाएगा, यहाँ पर कलर इनका ऑलमोस्ट सेम है, टापे का भी और इसका भी, और यहाँ पे आपको फुटरेस मिल जाएंगे, फुटरेस की क्वालिटी तो सही है, अगर ये चीज़ भी ये ब्लैक में दे देते तो ज़्यादा अच्छा था, मैट में दे देते, ये शाइनी तो है अच्छा लग रहा है, मगर ये कुछ टाइम बाद जंग जो है ना हो सकता है इसको, इस पर आ जाए। यहाँ पर जो है इन्होंने हमें फिर एक प्लास्टिक दिया हुआ है,
और ये काफ़ी दोस्त परेशान हो रहे हैं कि ये क्या चीज़ है उस्मान भाई। तो यार यहाँ से आप चाबी डाल के इसका लॉक खोल के जो इसकी सीट है उसको खोल सकते हैं, छोटी सी आपको स्पेस मिलेगी, वहाँ पर आप अपना सामान वगैरह कुछ रख सकते हैं, इंडिकेटर्स, और ये चीज़ भी सेम प्लास्टिक में। फिर आपको ये चीज़ जो है ना इसके एल्यूमिनियम में मिल जाएगी, ये आपको एल्यूमिनियम में मिल जाएगी, ये प्योर एल्यूमिनियम है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हार्ड है काफ़ी ज़्यादा। बैक की बात करें तो टेल लाइट काफ़ी खूबसूरत है, एक मैं आपको लुक दिखा देता हूँ बैक से कि किस तरह की ये लग रही है बाइक, ये देख सकते हैं आप, टेल जो है इसकी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से आप देखें, मैं ज़रा ब्राइटनेस तेज़ करता हूँ, ये देखें बाइक की एक लुक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। अच्छा, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी शॉक्स की। बैक पर हमें एडजस्टेबल शॉक्स मिल जाती हैं, सुजुकी की तरफ से रेड कलर में टच है, सुजुकी कंफर्ट में बहुत अच्छी है, कंफर्ट जोन इस बाइक का बहुत अच्छा होगा, ये मैं आपको अभी से गारंटी दे रहा हूँ कि कंफर्ट में आप इसको जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बैक पर भी हमें 17 इंच के अलॉय मिल जाते हैं, ये आप देख रहे हैं जो मैट ग्रे ही है, मुझे ब्लैक नहीं लग रही, ये मैट ग्रे कलर में ही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिस पर काफ़ी दोस्तों का एतराज़ है और काफ़ी का नहीं भी है, आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो है इसका चैन कवर। जितनी भी हमने अभी तक बाइक्स देखी हैं पाकिस्तान में, उन सब का चैन कवर सुजुकी की हो गई, यहाँ तक के यामा होंडा जितनी भी बाइक्स हैं उनका कवर, चैन कवर जो है ना वो पूरा यहाँ पे फिल होता है, और हमें कभी भी हमें चैन वगैरह नज़र नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हमें, ये आप देख सकते हैं, अप वाला दिया, और वो भी हार्ड प्लास्टिक है, ये कोई एल्यूमिनियम वगैरह या लोहे का नहीं है, ये भी प्लास्टिक का दिया है, और यहाँ से आपको कंप्लीट जो है ना इसकी चैन। वो इसका नुकसान ये है कि जिस तरह कीचड़ वगैरह बारिश वगैरह में पाकिस्तान में बाइक्स जो है ना रफली यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर ये है कि आपको बार बार चैन की ऑयलिंग करानी पड़ेगी, टाइट करानी पड़ेगी, डस्ट आ जाएगी बाइक के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जिसमें हम बाइक्स को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो सुजुकी ने एक अच्छी चीज़ तो दी है, हालाँकि मैं चाहूँगा ये कि बाकी बाइक्स भी फॉलो करें, मगर पाकिस्तान के हिसाब से जो है ना ये चीज़ थोड़ी सी और लगेगी, क्योंकि अगर आप इसको फैमिली के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डर होता है इसमें पाँव वगैरह या इस तरह का कुछ आ जाए या दुपट्टा वगैरह आ जाए, तो उसके अलावा फिर कीचड़ आ रहा है, मिट्टी आ रही है, तो वो मतलब बाइक की जो क्लीननेस है ना इसको ये चीज़ ख़त्म करेगी। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है हमारे हैरान होंगे कि ये पहली बाइक है पाकिस्तान की जिसने हमें चैन कवर ओपन में दिए, उसके बाद हमें इन्होंने क्लिप बार हैंडल दिया, उसके बाद इन्होंने टैंक का ढक्कन इस तरह का दिया, और फिर इन्होंने यहाँ पे एक स्पोर्टी लुक को कवर करते हुए इन्होंने हमें यहाँ पर क्या कहते हैं अपना एक फोल्डिंग में ये दे दी, जो बाइक को घिरने, जब बाइक घिरती है तो फौरन ये चीज़ फोल्ड हो जाती है और बाइक को नुकसान होने से बचाती है। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे फ्रंट गियर मिलेगा, बैक पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ साथ इसकी ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट गियर इसका जो है ना पहला गियर इसका फ्रंट पे लगेगा, 5 गियर ट्रांसमिशन है इसकी, बाकी जिसके 4 गियर हैं वो बैक पर लगेंगे। इंजन की तरफ फिर से आते हैं, कुछ दोस्त मुझे कह रहे होंगे कि उस्मान भाई इंजन की तरफ आ भी जाएँ, तो अभी आते हैं इंजन की तरफ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी बैक ब्रेक की, जो कि हमें ड्रम ब्रेक मिलती है, मगर ड्रम ब्रेक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ये आप देख सकते हैं। ओवरऑल मतलब बाइक जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी जो क्वालिटी है ना उसने मतलब सेटिस्फाई की है कि यार जो प्राइस है इसकी तो उसमें इसने सेटिस्फाई किया है। ये नहीं कह सकते कि मतलब बाइक जो है इसकी अपनी क्वालिटीज़ में इसने वो की है, मगर मेजर कॉन्स हैं इसके, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका खूबसूरत सा साइलेंसर, साइलेंसर आप देख सकते हैं इस बाइक का, साइलेंसर की जो साउंड है मैं कोशिश करता हूँ एंड मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि बाइक न्यू है तो अलाउ नहीं होता, मगर मैं कोशिश करूँगा, अगर उन्होंने उनसे गुजारिश करूँगा तो साइलेंसर का आपको साउंड भी सुनाऊँगा, मगर काफ़ी स्मूथ सा इसका साउंड है और अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर आपको सिल्वर प्लेट मिल जाती है और ये आपको मैट ब्लैक में, और फिर से यहाँ पे सिल्वर प्लेट मिल जाती है, सेम फुटरेस जो फोल्ड होंगे, और इधर भी आपको सेम चीज़ मिल जाएगी। आप फिर दोस्त पूछ रहे होंगे कि सामान भैया अगर ये टूट गया तो मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितने का मिलेगा, तो मेरी गारंटी है कि आपको मिलेगा बहुत महंगा, और अभी तो आपको कुछ ज़्यादा ही महंगा मिलेगा क्योंकि बाइक न्यू है, ऐसा ऐसा हो सकता है ये मार्केट में आ जाए। तो जब आप ये बाइक अगर परचेस करते हैं तो आपको इस बाइक का पहले ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लैक कलर में इन्होंने हमें यहाँ पे ब्रेक दी हुई है। अब हम इस बाइक की बात कर लेते हैं इंजन की, 125 सीसी
जो कि 1-4 cc यहाँ पर आपको इसकी मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छा इंजन, पावरफुल इंजन, सुजुकी का इंजन है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सुजुकी ने 110 बनाया, 150 बनाया, उनकी भी पावर बहुत अच्छी थी, जो GSX की भी बहुत अच्छी पावर है। इसकी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 115 है। और जो मुझे इस बाइक के अंदर मेजर कॉन लगा है सुजुकी की तरफ से, जो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, वो है इस बाइक के अंदर बैलेंसर शॉफ्ट इन्होंने नहीं दी। इस बाइक के अंदर बैलेंसर शॉफ्ट जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस बाइक के अंदर जो है बैलेंसर शॉफ्ट लाजमी होनी चाहिए थी। इस वजह से इस बाइक के अंदर वाइब्रेशन है। आप ये नहीं कह सकते आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशन मिलेगी, मगर CG125 वाली नहीं मिलेगी। जिस तरह 125F के अंदर वाइब्रेशन है आपको वो मिलेगी, प्यागो के अंदर जो वाइब्रेशन हैं आपको वो मिलेंगी, इस तरह की आपको वाइब्रेशन जो है ना इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएंगी। 4-stroke का ये बाइक है, और यहाँ पर आपको जो है इसका फ्यूल का वो मिल जाएगा। उसके बाद हम मैं आपको इस बाइक का एक नीचे से लुक दिखा देता हूँ। ये जो इसका फ्रेम है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और भारी सा फ्रेम है। इस बाइक की अगर हम वेट की बात कर लें तो इस बाइक का जो ड्राई वेट है वो 126 इसका जो है वो ड्राई वेट है। तो ये अभी आपको नीचे से मैं लुक दिखा देता हूँ बाइक की। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का सवाल था कि इसकी बाइक के अंदर वाइब्रेशन है, तो जी बिल्कुल इस बाइक में आपको वाइब्रेशन आपको मिलेगी, वाइब्रेशन इसके अंदर है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछ रहे थे कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस किस तरह की है, क्योंकि GT110S कोई कोई दोस्त कहते थे कि वो फैमिली बैठी हुई है या जम्प्स या कोई ऐसी सिटीज़ वहाँ पर जो है आप वो ज़मीन पर लगती है, जम्प्स पर लगती है। तो ये हमें इसका ब्रोशर मिला है। ये बाइक्स अभी हमारे पास अवेलेबल है ब्लू, रेड और ब्लैक कलर में। 360,000 की इसकी इनवाइस है और 40,000 इस पर अभी ऑन चल रहा है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं 14.2 लीटर का इसका टैंक है, आपको 14.2 लीटर कैपेसिटी मिल जाएगी। और हैलोजन हेड बल्ब जिस तरह आपको बताया है, कैलिपर डिस्क ब्रेक है इसके अंदर जिस तरह आपको मैंने बताया। फ्यूल एफिशिएंट है, हाँ फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो फ्यूल एवरेज इसकी जो है ऑलमोस्ट 40 है, 40 से प्लस नहीं कह सकते हम, 40 तक के है। जो कंपनी क्लेम करती है वो 35 प्लस करती है, तो ये चीज़ भी ज़रा इसको सो करती है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें YBR को देखें तो उसकी एवरेज से ज़्यादा अच्छी आ जाती है। उसमें बैलेंसर शॉफ्ट है, इसमें बैलेंसर शॉर्ट ऑफ शॉफ्ट आपको नहीं मिल रही। सुजुकी को इस चीज़ को करना चाहिए था कि इसलिए ये बाइक ओवर प्राइस हम कह सकते हैं कि लुक्स में जो है ये बहुत अच्छी है, लुक्स में बहुत अच्छी है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। एक इसके अलॉयज जो है वो 18 इंचेस के होने चाहिए थे। सबसे बड़ी बात जो इसमें बैलेंसर शॉफ्ट होनी चाहिए थी ताकि ये बाइक वाइब्रेशन जो है ना इसमें आती, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने उसको वो किया है कि वाइब्रेशन इसमें है तो वो उसको गुरेज कर रहे हैं लेने से। खैर हम इसकी इंजन जिस तरह मैंने आपको बताया, जो इसका इंजन टाइप है वो सिंगल सिलेंडर 4-stroke का है। एयर कूल्ड आपको इंजन मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट है और 5-speed। डायमेंशंस जो है इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस देख लेते हैं, वो है 167, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसकी ठीक है, मतलब अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ये बाइक कितनी नीचे से लगेगी नहीं, इस चीज़ का आपको डर नहीं होगा। फ्रंट और रियर पे जो हमने एक चीज़ मिस की है वो इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जो फिर से एक डिफरेंट चीज़ है जो पाकिस्तान में पहले कभी लॉन्च नहीं हुई, क्योंकि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट और बैक इसके दोनों ट्यूबलेस टायर्स हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये टायर्स जो हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, मगर आप टाइम के साथ साथ स्मूथ हो जाते हैं। और देखा जाए तो सुजुकी इन चीज़ों को आप डिफरेंटली लेके आ रहा है। उसने ट्यूबलेस टायर्स दिए पहली दफ़ा, चैन कवर दिया पहली दफ़ा, फोल्डिंग ये दिए जो चीज़ काफ़ी अच्छी है, स्पोर्टी में इन्होंने गियर का लुक दे दिया। बैलेंसर शाफ्ट क्यों मिस किया सुजुकी आपने, मुझे समझ नहीं आया। फिर उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ वो कर दी, क्लिप ऑन उन्होंने हैंडल्स दे दिए, डिपर मौजूद है, चौक मौजूद है, मीटर भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो है जो इंजन की वजह से जो मुझे शिकायत रहेगी इनसे वो हमेशा रहेगी कि बैलेंसर शॉफ्ट इसमें होनी चाहिए थी, इसलिए इसकी वाइब्रेशन जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते इतनी। तो इस बाइक में आपको वाइब्रेशन मिलेगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द हम इसका एक ओनर रिव्यू लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे और इसकी फ्यूल एवरेज बताएंगे। प्राइस मैं रिपीट करता हूँ, 360,000 प्राइस है। इंजन की अगर हम मज़ीद बात करें तो इंजन पावरफुल होगा इसका, इंजन इसका काफ़ी अच्छा होगा और आप इसको डुअल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी अगर हम मैक्स जो इसकी पावर है वो 7.8 kW ये प्रोड्यूस करता है 9000 RPM के अंदर, ठीक है। और कार्बोरेटर इंजन है 5-speed जिस तरह आपको मैंने बताया, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, तो उस तरह से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी।
मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मुख्तलिफ और डिफरेंट आपको मैं रिव्यूज़ देता हूँ बाइक्स के, सिर्फ इसलिए ताकि आप बाइक जब लेने जाएँ तो आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आएँ कि जो हमने चीज़ ब्लॉग में देखी थी, वीडियो में देखी थी, और वो असल में है या नहीं है। एक दफ़ा दोबारा आप इसका लुक देख सकते हैं, इस बाइक का स्पोर्ट्स लुक में जो है ना, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। टापे के ऊपर आपको कोई बैजिंग नहीं मिलती, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं आपको बैजिंग इधर मिल रही है, खाली स्टिकर जो है ग्राफिक्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, GSXR इस पर लिखा हुआ है, और साइड पे आपको कोई ग्राफिक्स नहीं मिलते, फिर आपको वो एंड पर मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।